अरे उधर क्या देखती है तू? उधर क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम बताओ बंबई कैसा रहा? अब तय ये हुआ है कि सिंधुआ में चौकी बरकरार रहेगी, मगर अंग्रेज सरकार ब्रह्मदत्त की करनी पर काफी नाराज है। कुछ लोगों को ताकत मिलते ही दंभी हो जाते हैं। ब्रह्मदत्त दंभी नहीं है, महज बेवकूफ आदमी। सिंधुआ में चौकी खोलने का सरकार का मूल उद्देश्य यह था कि सिंधुआ को बाहरी हमले से बचाना, मगर ब्रह्मदत्त ने उल्टे यहीं पे अफरा तफरी शुरू कर दी। यादव इनसे मिलो, ये हैं आप शांति भूषण होंगे, उम्मीद थी आपसे समुद्र किनारे मुलाकात हो जाएगी। वो शांति बाबू की तबीयत कुछ नासाज थी। दरअसल मुझे लगा कि आप हमारा न्योता जरूर स्वीकार कर लेंगे, इसलिए इतनी दूर चलकर जाने से क्या फायदा, मुलाकात तो होनी थी। वो डीसीपी साहब आप कुछ कह रहे थे ना? मैं कह रहा था कि अंग्रेज सरकार सिंधुआ में क्या कुछ नहीं कर सकती, अगर हम लोग यहाँ की बहुत सी बातें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ के लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। यादव समझो ब्रिटिश सरकार को ये नहीं मिल गया, बस यकीन मिलना बाकी है। आप आई यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। रुक्मिणी यहाँ पहली बार आई है, वो बंबई में रहती है। मालती जी, मैंने आपसे उस दिन गुस्से में जो कुछ कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल उस समय मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गर्भ की अवस्था में ऐसा होता है, डिप्रेशन होता है, डर होता है, जो अक्सर गुस्से को बढ़ावा देता है। आप सिंदूर नहीं लगाती? किस लिए? सिंदूर लगाने के लिए शादीशुदा होना भी तो जरूरी होता है। तो आप इतना कैसे जानती हैं? किस बारे में? गर्भ के बारे में। नहीं माया जी, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल रुक्मिणी डॉक्टर है। आपको सरकार ने भेजा है? नहीं तो दरअसल सरकार भी एक डॉक्टर भेजने वाली थी, मुझे लगा चलिए अच्छा हुआ वो डॉक्टर यहाँ नहीं पहुँचा। जी हाँ, जब तक वो नहीं आता मैं आपका चेकअप कर लिया करूँगी। इसी बहाने आपसे मिलती तो रहूँगी। आप क्यों कष्ट करती हैं? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे कष्ट होगा, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन मेरे यहाँ आने से आपको कोई एतराज तो नहीं? अगर आप अब यहाँ नहीं आए तो जरूर बुरा लगेगा।